गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का नज़ारा काफ़ी मस्त है। देखिए चारों ओर फॉग आया हुआ है, आधी जगह धूप है। और फिलहाल मैं अभी हूँ नैनीताल में। अभी नैनीताल में हम कल रात आए थे, मैं उसका ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि हम लोग बहुत लेट में पहुँचे, करीब रात के 1 बजे नैनीताल पहुँचे थे। लेकिन सुबह हमने रात में एक होटल लिया, वो भी हमको बहुत मुश्किल से मिला है। यह है होटल का रूम। अभी बहुत अस्त व्यस्त है, रात भर सोए थे, अभी उठे मॉर्निंग में। अब चलते हैं नैनीताल में, को एक्सप्लोर करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल हमारा प्लान था नैनीताल जू में जाने का। हम लोग जू रोड पे एक होटल था, एकम लॉज, वहाँ रुके हुए थे। लेकिन मौसम इतना भी खतरनाक हो गया, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हम वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि उसके लिए बहुत पैदल चलना पड़ता है और हम भीग जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन नैनीताल की। जहाँ ये नैनीताल की माल रोड से लेक का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम चल रहे हैं नैनीताल की माल रोड पे, जो ऊपर साइड है अपर माल रोड है, नीचे लोअर माल रोड है। जब ब्रिटिश लोग यहाँ रहते थे तो इंडियन पीपल नीचे वाली रोड पे ट्रेवल करते थे और ब्रिटिश ऊपर वाली रोड पे करते थे। इंडियन पीपल को अलाउड नहीं था उपाई रोड पे आना। हम लोग को करना नाश्ता क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। कल रात जो खाना हमको मिला वो ज्यादा सफिशियंट नहीं था क्योंकि रात के 1 बजे हमने ऑर्डर किया था और मतलब जो सबसे व्यवस्था हो सकती थी वैसी हमको खाना पड़ा। थोड़ा कम ही था खाना चार लोग के हिसाब से। अभी पहले हमने करना है ब्रेकफास्ट, देखते हैं कहीं ब्रेकफास्ट कहीं अच्छा मिल जाए, उसके बाद हम घूमेंगे नैनीताल। अभी बारिश भी रुक चुकी है, अब देखते हैं हम लोग शायद इसके बाद इनको एक 120 ईयर्स ओल्ड एक हेरिटेज है वहां लेके चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राजभवन में। देखिए एडल्ट का जो वो है फेयर है वो आपकी 50 रुपीज है, चाइल्ड का 20 रुपीज है। और ये सामने है उसका एंट्री गेट। अभी सब लोग एक साथ गैदर होंगे यहाँ पे, जितने टूरिस्ट आए हुए हैं सब लोग एक साथ गैदर होंगे, फिर उनको एक साथ लेके जाते हैं यहाँ पे। गाइड यहाँ पे अवेलेबल रहता है राजभवन में। अभी सब बहुत सारे लोग, ये सामने है पूरी राजभवन की बिल्डिंग, आप देख सकते हैं ये ई शेप में है बिल्डिंग। ये अगर हम ऊपर से कोई इसे देखें तो ई शेप में दिखाई देती है पूरी बिल्डिंग, क्योंकि देखिए इस वाला ये कॉर्नर देखिए, बीच वाला देखिए और साइड वाला देखिए, जो हमारा कैपिटल लेटर में ई होता है वैसे ही ये बिल्डिंग बनी। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन पुरानी चीजें रखी हुई है। सुल्ताना डाकू जो था उसके सारे हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं और काफी खूबसूरत है ये बिल्डिंग और अपने एक इतिहास संजोए हुए है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 360 व्यू। थोड़ा आवाज में डिस्टॉर्शन होगा, यहाँ पर ग्रास कटिंग मशीन लगी हुई है, वो यहाँ पर ग्रास कट रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए आवाज आपको मतलब थोड़ी नॉइज आपको आएगा इसमें, इसके लिए सॉरी, क्योंकि उनका वर्क है उनको अपना काम करना पड़ेगा। आप ये देखिए पूरा 360 व्यू काफी है। इसके पीछे जस्ट इसके पीछे इसकी रसोई भी है, किचन जो होता है, और यहाँ पर राज्यपाल उत्तराखंड के वर्क करते हैं इन समर में आते हैं वो यहाँ पे, और तब ये पूरे सही ढंग से खुल जाता है। अभी सितंबर का महीना है तो अभी ये सही ढंग से खुला नहीं है, कुछ मतलब कुछ चीज़ हिडन है, मतलब अभी पूरी हमको दिखाई नहीं गई, लेकिन जब यहाँ पर राज्यपाल होंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको अप्रैल मई में यहाँ पर आना पड़ेगा अगर आपको पूरा राजभवन अंदर घूमना है। 113 रूम है इसके अंदर पूरे राजभवन के अंदर, और वो ऑफिस वर्क में भी यूज होते हैं और वो भी यहीं रहते हैं राज्यपाल ग्रीष्म काल में, और सकते ऑफिस यूज पूरा होता है इस पूरी बिल्डिंग का। और ये पूरी जो बिल्डिंग है वो बनी उड़द की दाल से बनी हुई बिल्डिंग है, और पूरे चारों ओर यहाँ पे ओक के ट्री हैं और देवदार के पेड़ हैं। पंगोट वाली रोड पे यहाँ से पूरे नैनीताल का पूरा व्यू दिखाई देता है। देखिये पूरा मैंगो शेप पे है ये झील बनी हुई, और आज मौसम काफी बेईमान है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख रहे हैं क्लाउड बहुत सारे हैं। हम निकलते हैं पंगोट की ओर। यह किलबरी का पूरा फॉरेस्ट काफी ग्रीन है और इतना घना जंगल है। यहाँ पर लेपर्ड, हिमालयन बियर और बर्ड्स की करीब 500 ट्राइब हैं इस पूरे जंगल में, और बहुत डरावना जंगल भी है। देखिए हम लोग यहाँ आते हैं प्रकृति का छेड़छाड़ करते हैं। जब आप कभी भी आए तो ऐसे जगह पे प्लास्टिक बोतल और अपने चिप्स के रैपर वगैरह फेंक कर अपने साथ लेके जाएं। आ रहा है आज, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बारिश हो जा रही बीच में। अभी हमने एक ट्रैक करना है पंगोट में, उस ट्रैक में हम लोग जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो
पूरा ट्रैक करेंगे, अगर नहीं हो बारिश हुई तो ट्रैक पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा वापिस जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर दिखाएंगे दोबारा आके, लेकिन अभी जा रहे हैं तो देखते हैं, अभी तो बारिश रुकी हुई है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर खूबसूरत एक गांव पंगोट। बहुत सारे होटल हैं लेकिन शॉप बहुत कम है, 3-4 शॉप हैं, एक दो जनरल स्टोर हैं, एक दो रेस्टोरेंट हैं, बस हो गया। इसके अलावा बाकी यहां पे ज़्यादा है नहीं अवेलेबिलिटी, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और बहुत सारी कैंप साइड है यहाँ पे, आप यहाँ पे आके प्रकृति का पूरा आनंद आराम से ले सकते हैं। यह है वो ट्रैक करीब 1.5 किलोमीटर का, जैसे मैं आजमाऊंगा अपना पैर कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ अभी। और काफ़ी खूबसूरत जंगल है और चारों ओर बर्ड्स की काफ़ी अच्छी सिंगिंग की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, ऊपर रोड है और अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर। काफ़ी खूबसूरत है और विलेज काफ़ी खूबसूरत है और मौसम काफ़ी अच्छा है। नीचे देखिए करीब आपके 400-500 मीटर की खाई है, बहुत गहरी, और एक नदी की आवाज़ आ रही है बहुत अच्छी, और सामने एक वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे। एक वाटरफॉल किसने बताया था कि नीचे है, तो देखते हैं वाला वाटरफॉल कैसा है। और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, वाटरफॉल तो यहाँ पे है लेकिन काफ़ी छोटा है, हो सकता है कि उससे ऊपर जाके और भी हो, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं अभी। हम लोग बिल्कुल नीचे पहुँच गए, पुल है छोटा सा, इससे ऊपर एक कैंप साइड है, हम वहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ से वापस लौटेंगे। एक वाटरफॉल है ठीक सामने भी है, ये काफ़ी हाइट से गिर रहा है, वो उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन थोड़ा फिसलने में वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं गिर सकता हूँ, इसलिए मैं उधर जाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि मैं लौटने का टाइम भी काफ़ी हो रहा है। नैनीताल से वापस आते वक्त हमने येला रूट फॉलो किया, क्योंकि हमको नैनीताल के अंदर जाना नहीं था, तो हम लोग आए आपके खुरपाताल से बाईपास जो हनुमान गली के पास निकलता है, और ये ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक पुरानी एक दास्तान ये दिख रही है। देखिए यहाँ पे कितना लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया, पूरा पहाड़ कटने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, पेड़ लगे नहीं यहाँ पे। कुछ लोग मैं देखता हूँ वीडियो में, नैनीताल के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पेड़ लगाते हैं हर साल, और कुछ साल बाद वो पेड़ बड़े होंगे तब यहाँ पर क्या पता लैंडस्लाइड थोड़ा कम हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत भयंकर घाटी का व्यू, बहुत व्यवस्था है। आज का सफर वैसे काफ़ी अच्छा रहा, पंगोट एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है, जहाँ मैं मतलब एक बार बहुत पहले गया था, अभी आज बार दोबारा जाने का मौका मिला। एक छोटा सा ट्रैक भी किया हम लोगों ने वहाँ करीब 2 किलोमीटर का, और लेकिन दिन भर बारिश थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ज़्यादा प्लेस विजिट नहीं कर पाए। मेरे 2-3 प्लेस थे कुछ चुनिंदा, मैं सोचा कि वहाँ आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन आज का ब्लॉग अब यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। आप यहाँ पीछे का व्यू देख सकते हो, पर लैंडस्लाइड हुआ है पूरा हिस्सा, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, पर पूरे पहाड़ कट गए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उसको सब्सक्राइब करने के आपको पैसे बिल्कुल लगेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जैसा भी हो सके। अब मैंने बनाया है वीडियो, काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, तो अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, शायद अगला ब्लॉग काफ़ी अच्छा होगा। तो तब तक के लिए अलविदा।